बस्तर जो कभी हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत 3,900 गांव, 33 ब्लॉक और 33 तहसील आते थे, जो आज 7 जिलों में बंट गया है और आज सिर्फ बस्तर जिला 611 गांव, 433 ग्राम पंचायत, 7 ब्लॉक और 7 तहसीलों में ही सिमट कर रह गया है, जिनमें जगदलपुर, बस्तर, बस्तानार, तोकापाल, बकावट, दरभा और लोहंडीगुड़ा शामिल है। वहीं बस्तर जिला मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के निचले हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है, जिसकी मुख्यालय जगदलपुर शहर में स्थित है और जगदलपुर शहर ही बस्तर संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इसके अलावा बस्तर जिला सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और उड़ीसा के जिलों से घिरा हुआ है। वहीं बस्तर जिले से ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों में से एक इंद्रावती नदी बहती है और इसी नदी के किनारे स्थित है यहाँ का सबसे बड़ा शहर जगदलपुर, जो पहले बस्तर की पूर्व रियासत की राजधानी थी। इतना ही नहीं, जगदलपुर के कुछ ही दूरी में स्थित है नगरनार, जहाँ पर NMDC स्टील प्लांट स्थित है, जो बस्तर संभाग का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी है। इसके अलावा बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, जहां यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बनता है। वहीं बस्तर जिले में ही तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है, जो दरभा तहसील में स्थित है। इसके अलावा बस्तर जिले में आदिवासी और ओडिया संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है और यहाँ के आदिवासी बस्तर का मुख्य पहचान है, जहाँ पर गोंड, माड़िया, मुड़िया, भतरा, परजा, हलवा, धुरवा और पारथी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा दशहरा इसी आदिवासी जिले में ही मनाया जाता है, जो लगभग 75 दिनों का रहता है। वहीं पूरे बस्तर क्षेत्र को इमली, तेंदू, कोसा, पर्वतों, जंगलों, झरनों, आदिवासियों, गुफाओं, नक्सलियों, नदियों, घाटियों, चौराहों, पर्यटकों, खनिजों और कला संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। और तो और, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में ही स्थित है, जिसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बस्तर जिले को वैदिक काल के समय से ही महाकौशल, दंडकर्ण्य, चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता रहा है। वहीं बस्तर जिले का नाम दो शब्दों से बना है, बांस और तल। बांस का अर्थ होता है बांस से बनाया हुआ झोपड़ी और तल का अर्थ है जमीन, अर्थात जमीन पर बांसों की झोपड़ी, जो यहाँ के निवासी इन्हीं झोपड़ियों में रहा करते थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को बांसतल के नाम से जाना जाने लगा और बांसतल कहते कहते ये क्षेत्र बस्तर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो आज भी यहाँ के आदिवासी अपने कला संस्कृतियों के साथ रहना पसंद करते हैं और गर्व भी करते हैं कि वो बस्तर जिले के निवासी हैं। इसके अलावा दोस्तों, बस्तर जिले का कश्मीर विंता घाटी को कहा जाता है और जिले की शिल्प ग्राम बस्तर तहसील को कहा जाता है, जहाँ की मेटल आर्ट, धातु कला, मिट्टी कला एवं अन्य कलाकृति पूरे छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बस्तर तहसील की प्रमुख स्थान नारायणपाल विष्णु मंदिर, बस्तर का शिव मंदिर, बस्तर का एग्रो पार्क, बस्तर का तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर, मड़वा जलप्रपात और चित्रधारा जलप्रपात है। वहीं बस्तर जिले की जगदलपुर शहर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिसे माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, जहाँ से आप रायपुर और हैदराबाद हवाई जहाज से जा सकते हैं। इसके अलावा जगदलपुर शहर में बस्तर राजमहल के समीप
माँ दंतेश्वरी और माँ मावली मंदिर स्थित है, जो शहर वासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहीं पर मनाया जाता है भारत की सबसे लंबी चलने वाली बस्तर दशहरा, जो पूरे विश्व भर में विख्यात है। इसके अलावा जगदलपुर शहर में स्थित है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बालाजी मंदिर, जिसे अयप्पा मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और तो और, जगदलपुर में ही छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा तालाब भी स्थित है, जिसे दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर शहर में ही स्थित है। इसके अलावा बस्तर जिले की सबसे प्रसिद्ध घाटी दरभा घाटी है, जो दरभा तहसील में स्थित है और यहीं पर स्थित है बस्तर जिले की सबसे ऊंची पर्वत, जिसे तुलसी डोंगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दरभा तहसील में आप दरभा गुफा, दंडक गुफा, कांगेर गुफा, भैंसा दरहा, कांगेर जलप्रपात, कांगेर पर्वत, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। वहीं बस्तर जिले की बस्तनार तहसील में स्थित है गुड़ियारी का शिव मंदिर और घुमरमुन का शिव मंदिर, जो एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। और इसी तहसील में स्थित है विश्वकर्मा मंदिर, जो छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र विश्वकर्मा का प्राचीन मंदिर है। वहीं बस्तर जिले की तोकापाल तहसील में स्थित है डिलमिली, जहां आपको मृतक काष्ठ स्तंभ देखने को मिलता है। इसके अलावा बस्तर जिले की लोहंडीगुड़ा तहसील में ही भारत का नियाग्रा यानी चित्रकोट जलप्रपात स्थित है और इसी तहसील में स्थित है बिजाकासी और चिकनर्रा जलप्रपात, जहां आपको हरे रंग का सांप भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बस्तर संभाग अपने आप में ही एक खूबसूरत स्थान है, जहां आपको जाने के बाद ही बस्तर की खूबसूरती का अनुभव होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आपको असल छत्तीसगढ़ या असल छत्तीसगढ़ की खूबसूरती देखनी है तो प्लीज बस्तर जरूर जाएं, क्योंकि एक ही वीडियो में बस्तर की खूबसूरती को पूरा दिखा पाना असंभव है। इसके अलावा बस्तर जिले की क्षेत्रफल की बात की जाए तो तकरीबन ये जिला 6,597 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ की वर्तमान समय में जनसंख्या 950,000 के करीब है। वहीं बस्तर जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,017 महिलाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों में गिना जाता है। वहीं यहाँ की प्रत्येक आबादी 135 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। बस्तर जिले की 15% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 85% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। बस्तर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, हस्तशिल्प एवं कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों और खनिजों पर आधारित है। वहीं बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 281 किलोमीटर की दूरी पर है और छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी बिलासपुर से लगभग 425 किलोमीटर की दूरी पर है। बस्तर जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG17 है। वहीं बस्तर जिले से चार प्रमुख नदियां बहती है, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, कांगेर नदी और मुंगा बहार नदी। इसके अलावा बस्तर जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफी पिछड़ा हुआ है, जहाँ की कुल साक्षरता दर मात्र 55% ही है और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज भानपुरी, गवर्नमेंट दंतेश्वरी महिला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तोकापाल, गवर्नमेंट काकतीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बकावट, क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट ITI तोकापाल, गवर्नमेंट ITI दरभा, गवर्नमेंट ITI बस्तर, गवर्नमेंट ITI लोहंडीगुड़ा, गवर्नमेंट ITI बस्तानार, गुणाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर, स्वर्गीय बलिराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय एवं गवर्नमेंट ITI जगदलपुर जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हल्बी, भात्री, गोंडी, धुरवा, ओडिया, छत्तीसगढ़ी, हिंदी एवं अन्य है। वहीं बस्तर जिले की जगदलपुर शहर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जहां से आप ट्रेन, हवाई जहाज
बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जगदलपुर शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं बस्तर जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें चित्रकूट जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कोडमसर गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात, माँ दंतेश्वरी मंदिर, बस्तर पैलेस, चित्रधारा जलप्रपात, कैलाश गुफा, तामड़ा घूमर जलप्रपात, मेदनी घूमर जलप्रपात, डंडक गुफा, महादेव जलप्रपात, मड़वा जलप्रपात, विंता घाटी, दरभा घाटी, जिला संग्रहालय, दलपत सागर, शहीद पार्क, अभिनंदन पार्क, लामनी पार्क, गुड़ियारी शिव मंदिर, डिलमिली मृतक स्तंभ, नारायणपाल मंदिर, बस्तर दशहरा एवं विश्वकर्मा मंदिर बस्तर जिले की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। हालांकि यहां पर और भी कई खूबसूरत पर्यटक स्थलें हैं जिसे एक ही वीडियो में बता पाना असंभव है। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने इस वीडियो में कुछ चीज़ें छोड़ दी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।